नहीं लुकया कि ये खोआ नहीं लुकया, ये पनीर नहीं लुकया, कि ये लस्सी नहीं, कि ये घ्यो नहीं। आप भी जानते सारिया चीजा दुध तो बन दया ने। लगा कह जी हाँ महाराज, ये तो सारा कुछ है दुध में। गुरदेव लगे कह मन भी गया भी सारा कुछ दुध में है, पर विखा कितने है? दुध में दही दिखा कि पासे है, लस्सी दिखा किधर है? कहन तो हम दुध है कटोरे में है, सारा कुछ मक्खन भी लस्सी घ्यो पनीर सब कुछ पे है। पर गुरदेव कहते हैं बादशाह सानू दिखा दुध है किधर, माफ करना दिखा सानू दही है किधर, लस्सी किधर है, घ्यो किधर है, मक्खन किधर है। हुण कोई जवाब नहीं आता। लगा कहन जी दही तो सारे पासे ही है, दुध भी सारे पासे, घ्यो भी दही दुध भी सारे पासे, मक्खन भी सारे पासे, क्योंकि एवें कुछ नहीं मिलता। गुरदेव लगे कहन बादशाह फिर यह दस, जे आप घ्यो लैना हो, मक्खन लैना हो, पनीर लैना हो, दही लैना हो, आप किदां कढ़ांगे विचों? इन्हें आख्या महाराज पहला दुध नूं गर्म करना पेगा, फिर इन जाग लाना पेगा, इहदा दही बन जाएगा, फिर दही नूं रिड़कना पेगा, उहदा मक्खन बन जाएगा, लस्सी भी मिल जाएगी, फिर मक्खन नूं अग ते गर्म करना पेगा, उहदा घ्यो मिल जाएगा, घ्यो बन जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। पर मिलना किसी जुगती नाल है। एवें बाबे नानक ने आख्या बादशाह रब रहिंदा दा सारे पासे ही है, पर दिसणा किसी जुगती नाल है, किसी तरीके नाल है। जिवें तरीके तो बिना दुध विच है सब कुछ, पर नज़र कुछ नहीं आउंदा, एवें रब है तां सारे संसार दे विच ही, पर नाम जपे तो बिना नज़र नहीं आउंदा। बाणी पढ़े तो बिना, सिमरन करे तो बिना वह नज़र नहीं आउंदा। जिवें किसी तरीके नाल दुध विचों सारा कुछ मिल जाता है, एवें परमेश्वर का नाम जपया परमेश्वर भी मिल जाता है। जो बंदा नाम जपदा ना, ओहो ही दुनिया जिदे नाले नफरत करता ना, जो बंदा नाम जपदा फिर अपने मुंह नाल कहिंदा ये जगत हर का रूप है, हर रूप नदरी आया बिसर गई। भाई कन्हैया जी एवें नहीं सी मुसलमानां नूं ते सिखां नूं ते हिंदुआं नूं विचे पाणी पिलाई जांदे, क्यों जीवन बन गया सी बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बन आई। आम बंदा रब नूं लभणा तां किते दूर, इह तां जे गुरु घर आउंदा होवे ना, जे किते किसे दा बच्चा स्कूल पढ़दा पढ़दा फेल हो जाए, गुरु घर आउणा बंद कर दिंदा वी साडा बच्चा फेल हो गया, गुरु घर कदे वास्ते जाणा। जे किसे दे घरे कोई बीमार पै जाए, गुरु घर आउणा बंद कर देणगे वी आपां गुरु घर कल ही जाणा। जे किसे नूं बिजनेस विच घाटा पै जाए, गुरु घर आउणा बंद कर देणगे वी सानूं तां बिजनेस विच घाटा पै गया, आपां गुरुद्वारे की करन जाणा। इह गल्लां नहीं हुंदियां। रब का शुक्र करना चाहिए कि रब्बा तू जिन्ना भी दिता ए तेरा धन्यवाद, ये तू बड़ी वड्डी कृपा बख्शिश साडे ते कीती है। मैनू एक गल याद आई, एक कोई राजा सी, उहदा कोई वजीर सी, मंत्री कह दिंदे आपां, ते उह बड़ा धार्मिक ख्यालां दा बंदा सी, बड़ा धार्मिक रब नूं मनण वाला, भजन बंदगी वाला। ते उहने हर टाइम जदों कोई ना कोई घटना वापरनी, कोई हादसा होना, तां चंगा होना, तां माड़ा होना, तां उहने कहना रब्बा तेरा लख शुक्र है, जो भी हो रहा तेरी रजा दे विच हो रहा है। बाणी पढ़ देनी आपां रोज पढ़ देना, आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका साई गल। चंगी बाणी पढ़ देनी, कुछ होर है, बाणी दे मुताबिक चलना कुछ होर है। ते उह राजा सी जो उहदा वजीर सी मंत्री, बड़ा धार्मिक ख्यालां दा, नाम बाणी वाला, सिमरन भजन वाला बंदा। ते जदों कोई ना कोई घटना वापरनी, उहने शुक्र करना, रब्बा तेरा शुक्र है तेरे भाणे विच ही हो रहा है, जो तू कीता चंगा कीता। खैर इसे तरह उहने करदे रहना। ते उहदे नाल दूजे जिहड़े मंत्री सन बड़ी ईरखा करदे सन, दुबधा कुदरती गल है, दुबधा जिते किसी बंदे दी चढ़दी कला होवे ते दुबधा होणी कुदरती गल है। उहदे नाल लोक ईरखा करन आ जाणगे, जे किसी का बिजनेस चंगा चढ़ गया उहदे नाल ईरखा करी जाणगे, इह वी दा बिजनेस क्यों चढ़ गया। जे किसी कोल चार पैसे ज्यादा आ गए, मकान चंगा किसी ने लै लिया, उहदे नाल ईरखा, रिश्तेदारी नाल दी ईरखा करनगे वी इहदे कोल मकान क्यों चंगा बन गया। पर नहीं, ईरखा करिया कुछ नहीं मिलदा, सगों पाप वधदे ने। ते उह वजीर उहदे नाल दे जिहड़े खार खाण लगे, ईरखा करन लगे भी राजा इहनूं पसंद बड़ा करदा, इहदे ख्याल चंगे ने। खैर उहनां ने हर वक्त इही दाल लाउणा वी इहनूं किसे ना किसे तरह इहनूं इहदी हेठी कराई जावे, इहदी बेइज्जती होवे। ते इक दिन कहिंदे ने बादशाह अपने घोड़े ते सवार हो के वजीरां मंत्रियां दे नाल सिपाहियां दे नाल इक जंगल विच शिकार खेडण वास्ते गया। जदों शिकार खेडण वास्ते गया ना, ते अग्गे कहिंदे ने होर उह जिहड़ा मंत्री सी उह वी नाल सी। जदों शिकार खेडण वास्ते गया ते अगे कहिंदे ने राजे दे सामने शेर आ गया। जदों शेर आ गया, राजे ने सोचिया भी जे मैं अपने सिपाहियां नूं कहा जां वजीरां नूं कहा भी तुसीं शेर दा टाकरा करो, किते इह ना सोचण भी राजा डर गया। कहिंदे ने राजे ने हिम्मत ना हारदे होए अपने सारे साथियों नूं हत्थां नाल रोकदा, पिछे हो जाओ, शेर सामने खड़ा। राजे ने पाया तलवार दी मुठ नूं, जदों खिंची ना तलवार अगे वधिया, अगों शेर नूं भी पता भी हुण तलवार कढ़ी हुई है।
शेर ने भी अपने दोवें पैर चुके जो राजे ते लगा ना मारन झपटा राजे ने की कीता सज्जे हाथ में तलवार फड़ी सी पूरे बाहूबल दे नाल जदों कीता तलवार दा वार कहिंदे ने शेर की गर्दन दे विचों तलवार आर पार हो जदों पूरे जोर नाल तलवार मारी ना कुदरती गल है आपां किसे चीज़ नूं जोर नाल मारी रोकणी भी औखी हुंदी जदों पूरे बाहूबल पूरे जोर नाल तलवार मारी भावें शेर की अद्धी गर्दन कट्टी गई शेर एक पासे डिग पिया पर तलवार रोकदे रोकदे राजे दे खब्बे हत्थे जाके वजी ते उहदी जिहड़ी सब तों छोटी उंगल कट्टी गई जदों उंगल कट्टी गई ते शेर एक पासे डिग पिया ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਆਏ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਰਾਜਨ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਖੈਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਗੈਰਾ ਛੱਕ ਕੇ ਲੱਗਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਿੱਤ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜੂਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਤੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਘਰਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨੇ ਮੋਢੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸੜ ਵਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੈਰ ਰਾਜਾ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ
एक दिन राजा फिर अपने वजीरां मंत्रियों नाल उस जंगल में शिकार करन वास्ते गया। जो जंगल में शिकार करन वास्ते गया, गर्मियों का महीना जेठ आठ का महीना सी, मई जून जिन्हों आप कह दें, गर्मी बड़ी सी, राजे को कोई शिकार नहीं लभदा। इधर दौड़ सारा जंगल घूम गया, तो वो जो वजीर मंत्री सन एक ही करके पिछे रही जाते हैं। एक सोचता भी चल इन्ने नाल है कि मैं की करना, वो भी पिछे रह गया। फिर दूजा रह गया भी चल इन्ने नाल है, इन्हें मैं की करना, गर्मी बड़ी सी, भुखण भाने सारा दिन घूमते रहे। तीजा करते करते मुक्ति गल राजा कला ही रह गया। जो तो राजा कला रह गया ना, सारे पिछे रह गए, उन्हें देखे ही नहीं, पिछे काफ़ी दूर निकल गया। जो तो राजा कला रह गया, अगे उन्होंने जंगल में रहने वाले जंगली के जो आदिवासी लोग होंगे ने जंगली, उन्होंने आके घेर लिया, चारे पासों घेर लिया। प्यास नाल उसकी जान निकल रही है, भुख नाल थका टुटा। जो उन्होंने घेर लिया ना, आके कहने भी थले उतर घोड़े तो, थले उतर उन्हें बड़ा कहा भी मैं फलाना फलाना राजा, मैं छड़ दो मेरे नाल। वह कहें भी सानू असी कुछ नहीं सुनना, तू थले उतर। थले उतरिया, उन्होंने पड़ के हथकड़ियां बन लिया, हथकड़ियां ला के मुश्क कहने पिछे हथ करके मुश्क बननिया, कहने मुश्क बन के तोर लिया नाल ला के। थोड़ी दूर गए, अगे एक मंदिर से, मंदिर के कहते ने एक देवी की मूर्ति लगी हुई है, मूहरे एक पत्थर पे, एक पंडित बैठा वो मंत्र पढ़ रहा है। वो जोड़े बंदे सन वो राजे ना फड़ के पंडित को लै गए, लगे कह महाराज आ वेखो आ बंदा लैके आया है। पंडित लगा कहने इशनान कराओ, ये साफ कपड़े पवा के इतने लैके आओ। और राजा समझ गया भी यहाँ मेरी बली देणगे, मेरी मौत नेड़े आ गई। बड़ा अरदासा करता उन्हें, अगे बेनतियां करता मैं छड़ दो। वो कहने तू बोलना, असी तेरी एक नहीं सुननी। खैर उन्होंने इशनान कराया, इशनान करा के साफ कपड़े पवाए, मंदिर के सामने लैके आ गए जिते वो बली देनी सी। अगे जलाद एक टोका, इन आप गंडासा भी कह रहे हैं, टोका कह रहे, हाथ च पड़ के खड़ा। वह पंडित लगा कह जलाद नूं भी मैं कुछ मंत्र पढ़ने ने, जो मैं तेनों इशारा करूँगा ना, एको बार नाल ना यदा सिर जरा धड़ तो जुदा होना चाहिए, जाके जी थोड़ी देवी है ना वो खुश होनी। पुराने समयों के लोग देवी देवते अगे कोई बकरी की बली दिता, कोई बच्चे की दिता, पुराने ख्याल होया करते, खैर रहो विचार। वो लगा कहन जी ठीक है, म पंडित ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उस जंगलियां ने बंदिया ने उन्होंने फड़िया, राजे हथकड़ी लगी है, उन्होंने आख्या भी धौन थले कर ला, धौन थले कर, अखा में जो पानी बह रहा है। कोई राज भा कोई वजीर मंत्री बचाने वाला को नहीं, सारा पैसा सारी माया एक पासे रह गई, पल पल मौत सामने खड़ी है। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित लगा ना जो इशारा कर जलाद नूं भी इहनूं टोके रहे ते वार कर, कहिंदे ने पंडित की निगाह उहदे खब्बे हाथ की कट्टी उंगल ते गई। लगा कहिण ठहर, जलाद रोकिया, पंडित ही लगे कहन बई उन्हां बंदियां नूं लगे कहन भी ये जे आपां बली इहदी दित्ती तुहाडी देवी ने खुश तां की होणा, उहने होर नाराज हो जाणा। उह लगे कहन की गल, वह पंडित लगा कहन इहदी खब्बे हाथ की उंगल कट्टी है, यह बजर शरीर वाला, इहदा शरीर पूर्ण नहीं है, यह बजर शरीर वाला, जे इहदी बली दे दित्ती ना ते देवी ने गुस्से नाराज हो जाना, खुश नहीं होना। वो लगे कह अच्छा, खैर उन्होंने हथकड़ियां खोलतियां, तो लगे कह राजे कह जा भी तेरी किस्मत चंगी, तेरी जान बच गई, जा चला जा। राजा होया घोड़े से सवार, कदे उंगल वाल वेखदा, कदे सोचता भी ओह पांच साल पहला जी गल कही थी ना राजन, रब जो करता ठीक ही करता, जो होंगे वो भाने में होंगे। राजे का दिमाग फटते जा रहा, घोड़े से सवार होकर वापस महलों में आया, राज दरबार सद्या, वजीर मंत्री सदे, तो एक सिपाही आख्या भी जा उस मंत्री लैके आ जिन्हों नौकरियों कटिया। खैर सिपाही वो घर गए, जाके आख्या जी महाराज राजे ने याद किया है। मंत्री बड़ा हैरान कि राजे ने किवें याद कर लिया पांच साल बाद। खैर कपड़े वगैरह धारण किए, तैयार होया, राजे के राज दरबार में आ गया। जब राजे के राज दरबार में आया ना, अजे दरवाजे के अंदर पैर ही रखे, राजे ने आख्या ठहरो मंत्री जी। मंत्री रुक गया, कहने राजा अपने राज तख्त उठ्या, उठ के मंत्री दे कोल जाके ना उहदे चार परकरमां कीतियां, फिर उहनूं गल नाल ला लिया। वो मंत्री दूजे मंत्री बड़े हैरान भी ये की हो रहा, एक पासे नौकरियों पढ़ता सी आ की बन रहा। खैर उहनूं अपने नाल अपने राज तख्त ते बिठा लिया। मंत्री लगा कहिण महाराज मैं समझ आ नहीं इहदे विच की गल है, की भेद है, मैंने क्यों सद्या। राजे ने सारी होई बीती सुनाती भी इस तरह मेरी लगी सी बली जड़न, ते आ कट्टी उंगल करके मैं बच गया, ते इह तां गल ठीक है, तू जिहड़ी गल कही थी ना कि जो रब करदा ठीक करदा, इस गल नूं मैं अज मन गया कि जे मेरी उंगल ना कट्टी हुंदी ते मेरी बली चढ़ जाणी सी। पर मैनूं एक गल दी समझ नहीं आई, मंत्री लगा कहण किहड़ी। राजे ने आखिया जदों मैं तैनूं चिट्ठी लिख के भेजी ना कि मैं तैनूं नौकरियों कढ रहा ते तू अज तों बाद नौकरी ती लैणा, तूं लिख के भेज दित्ता कि तेरी उंगल कट्टी गई, उह तां ठीक होया, पर जो तू नौकरियों मैनूं कढ दित्ता इह उहदे नालों वी चंगा कीता, मैं इह गल नहीं समझिया इह क्यों लिखिया। मंत्री लगा कहण महाराज ये कोई परदे वाली गल ही नहीं है, ये तो गल सीधी है, साफ है। राजा लगा कहना वो किवें,
हूँ सारे वजीर मंत्री बैठे सुनते हैं, मंत्री जी महाराज लगे कह राजन जे तेरी उंगल ना कट्टी होंगी, जे तू मैनू नौकरी ना कढ़दा ये तो गल सच है भी मैं भी तेरे नाल होना, तो यह भी तेनों पता सारे तेरे सिपाही तेरे मंत्री तेरा साथ छड़ के तू कला रह गया, पर तेनों यह भी पता होना चाहिए कि जे तू मैनू नौकरी ना कढ़दा तो मैं तेरे नाल होना, तेरा साथ मैं नहीं सी छड़ना। पर रही गल उंगल दी ते मैं तेरे नाल होना सी जदों फड़े जाना सी आपां दोवां ने फड़े जाना सी, ते तेरी उंगल कट्टण करके तेरी तां चढ़ जा तेरा तां हो जाना सी बचा, ते नंबर मेरा लगना सी तेरी थां क्योंकि मेरा तां शरीर पूरा, जे तू मैनू नौकरी उहनां ना कढ़दा नंबर मेरा लग गया सी ते मेरी बली चढ़ जाना सी। रब जो करदा ठीक ही करदा, जो हुंदा उहदे भाणे विच हुंदा। एक कोई महात्मा सी कोई साधु समां भी आग्या नहीं दे रहा, ते उह किसे ना दरख्त दे थल्ले पिया सीगा, उह दरख्त सीगा लसूड़े दा छोटे छोटे लग माफ करना पिपल दा, पिपल में छोटी छोटी गोलां लगदियां ने, तो थले पे एक बंदा कोई होर बैठा सी नाल, उसां तों उहनूं लगा कहण वी रब नूं वी ना दुनिया नहीं बनाउणी आई, वह लगा कहण क्यों, वह कहिंदा वी मैं रब नूं दुनिया बनाउणी किसे दी सलाह ही ले लैंदा दुनिया बनाउण लगे। बंदा कहिंदा वी रब दे भाणे विच लत नहीं मारी दी, रब जो करदा ठीक करदा, इवें किंतु परंतु नहीं करीदा, रब जो करदा वधिया करदा, रब दे उत्ते किहड़ा जम्मिआ। वह फिर उही गल वी रब नूं दुनिया नहीं बनाउणी, कहिंदा तूं कहिणा की चाहुंदा, वह कहिंदा देख एड्डा वड्डा पिपल दा दरख्त है किड्डा किड्डे भारे दे टाण ने किड्डियां किड्डियां मोटियां ने जड़ां ने, इहनूं नेरियां वी नहीं हिला सकदियां तूफान वी नहीं हिला सकदे, पर एडे वड्डे पिपल नूं फल की लाया छोटियां छोटियां गोलां, भला इहनां दा इहनूं की भार लगणा। ते दूजे पासे सी किसे खेत विच सब्जी लाई कद्दू बीजे सन, उह कहिंदा उह दूजे पासे उह वेख पतलियां पतलियां वेलां ने कद्दू दियां, ते एडे एडे वड्डे कद्दू लगे ने, भला इन्नी पतली वेल विचों एडे वड्डे कद्दू नूं खुराक किवें मिलदी होगी। चंगा हुंदा जे रब कद्दू इस पिपल नूं ला दिंदा, ते आ जिहड़ियां गोलां पिपल नूं लगियां ने इह वेलां नूं ला दिंदा, किन्नी चंगी गल हुंदी। खैर गल्लां मारदे मारदे दोनों की अख लग गई, दोवें सौ गए, तो उपरों थोड़ी थोड़ी हवा चलन लगी, वह हवा चलन जाना की होया जिहड़ियां पिपल नूं गोलां लगियां सन उन्होंने कुछ छोटी जी गोल टुट के ना उस संत दे ना नक् दे आगे बजी, उहदी अख खुल गई, उठ के बह गया, उन्हें देखिया भी टुट के नक् दे बजी, तो वह दूजा नाल दा बंदा भी उठ पिया, कहिंदा की गल, कहिंदा यार रब जो करदा ठीक ही करदा, कहिंदा की गल, कहिंदा आ देखा गोल उत्तों टुट के मेरे नक् दे वजी, जे रब ने इत्थे कद्दू लाए होंदे ते उत्तों कद्दू टुट के मेरे नक् दे वजदा मेरा ते कीर्तन थोला पड़िया गया सी, कहिंदा रब जो करदा ठीक करदा। ते उह वजीर लगा कहण महाराज मैं इस करके लिख के भेजा सी जो तुसीं मैनूं नौकरी नूं कढ दित्ता उह उदों भी चंगा कीता क्योंकि नंबर मेरा लग जाणा सी, एवें नहीं बाणी बाणी किसे गल करके उचार नहीं कीती, बाणी एवें नहीं बह के लिख दी आपे हर इक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भाव है नानका साई गल चंगी बादशाह गुलाम कादर। गुरदेव लगे कहन बादशाह जिवें दुध विच सारे पदार्थ मौजूद ने पर बिना किसी ज्योति तो मिलता कुछ नहीं, एवें परमेश्वर जरे जरे दे विच है पर नाम जपे तो बिना उहदे दर्शन नहीं हुंदे। दस तेरा तीजा सवाल, इहने आखिया महाराज मेरा तीजा सवाल यह है रब दा परमेश्वर दा मूंह किहड़े पासे है, बड़ा कमाल दा सवाल है, रब दा परमेश्वर दा मूंह किहड़े पासे है। हुण मुसलमान वीर ने जिहड़े वह अल्लाह ताला नूं खुदा नूं पछम विच मन्नदे ने, कोई रब नूं दक्खण विच मन्नी बैठा कोई किसे पासे कोई किसे पासे। खैर गुरदेव लगे कहण बादशाह तैनूं इह वी दस इह वी दसदे आ रब दा मूंह किहड़े पासे, इस तरह कर एक दीवा लै के आ। इहने एक दीवा मंगवाया, गुरदेव लगे कहणा दीवे की बत्ती नूं अग ला, जदों दीवे की बत्ती नूं लाई ना अग, कुदरती गल है दीवे दे सारे पासे चानण हो गया। गुरदेव लगे कहण बादशाह यह दस दीवे दे किहड़े पासे चानण ज़्यादा है ते किहड़े पासे घट है। इहने आख्या महाराज दीवे दे सारे पासे चानण बराबर है, इधर भी घट नहीं उधर भी घट नहीं, पूर्व पछम सारे पासे बराबर है। गुरदेव लगे कहण यह भी तेरे सवाल का जवाब है, जिवें दीवे का चानण जे सारे पासे बराबर है ना, एवें परमेश्वर किसी एक पासे मूँह करके नहीं बैठा, उहदा मूँह सारे पासे ही है, वह सारी दुनिया नूं वेख रहा है, वह सारे संसार नूं वेख रहा। दस तेरा तीजा सवाल, इहने आख्या महाराज मेरा तीजा सवाल यह है कि परमेश्वर करदा की है, रब करदा की है, परमेश्वर की करदा। हुण इह परमेश्वर नूं कुछ करदे भी वेखणा चाहुंदा सी, अपने वाग जिवें आपां कम कार करदे हाँ, इहने सोचिया शायद जे आपां कम ना करिए ना, जिवें कह दिंदे ने जे नाम जपण बह गए जे कम ना कीता ते रोटी कित्थों खाणी है, इह साडे मन दा भुलेखा ही है। जे बाणी पढ़ के वेखे सारे शंके निवृत्त हो जांदे ने। गुरदेव कहिंदे ने नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जल मैं जंत उपायण तिना बिरोजी दे। इक तां ऐसा भी दसना कीता उत्थै माफ करना उत्थै हट ना चले, जिहड़े जीव जंतु पत्थरां विच रहिंदे ने ना
ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਇਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੜ ਸਾਡਾ ਗੜਵਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਉਦੋਂ ਫੜਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਤਿਬਚਨ। ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਗੜਵਾ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੋ। ਸਤ ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੜਵਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ, ਦੋ ਘੜੀ, ਤਿੰਨ ਘੜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਰ, ਦੋ ਪਹਿਰ, ਜਾਣੀ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾ ਫੜਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥਾਕੀਆਂ, ਕਦੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਜੀ। ਕਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਖੜਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ।
गुरदेव लगे कह फिर सुन लै रब की करदा है। ये तैनू पता है कि साडा कोई घर घाट नहीं, भावें गुरु नानक सारे दुनिया का सांझा सी, गुरु नानक कोई दुनिया का करता धरता सी, पर एक समझाने वास्ते गुरदेव लगे कहन बादशाह ते तैनू पता ना सी फकीर लोग आए। आखा जी हाँ, तैनू ये भी पता साडा दिन कितने, साडी रात कितने, साडा सवेर कितने, साडी शाम कितने, कदे जंगलों में, कदे पहाड़ों, कदे उजाड़ों, कदे बियाबाना च। ते लगा कहन जी हाँ महाराज। गुरदेव लगे कहन बादशाह असी जंगलों में रहन वाले साध फकीर, दिन कितने रात कितने कोई घर घाट नहीं, कोई टिकाणा नहीं, पर असी जंगलों में रहन वाले फकीर सानू 6 घंटे हो गए, असी तेरे शाही तख्त के उत्ते बैठे आ, पर दूजे पासे तू बगत दा बादशाह जिहदा एक उंगल का इशारा करन ते फौजां जिधर मर्जी चढ़ाई कर दिंदियां ने, तू बगत दा राजा, बगत दा बादशाह, तैनू 6 घंटे हो गए खड़े नूं, तेरी इन्नी भी हिम्मत नहीं पई, तेरी इन्नी हिम्मत नहीं पई कि सानू बुला के, सानू बुला के सानू पानी का गड़बा ही फड़ा दिंदा, तेरी इन्नी भी हिम्मत नहीं पई। आखिया बादशाह गुलाम कादर, रब आ काम करता है जेडे उदा नाम जपते ने ना, उन्हां गरीबां नू, उन्हां कंगालां नू, उन्हां भिखारियां नू उच्चे कर दिंदा, उन्हां नू राजे बना दिंदा, बादशाह बना दिंदा, ते जेडे उहदे नाम नू भुल जांदे ने, उहनू विसर जांदे ने, उन्हां राजिआं नू, उन्हां बादशाहां नू, उन्हां भिखा उन्हां राजिआं महाराजिआं नू भिखारी बना के रख दिंदा। भिखारी तां इस करके बणाउंदा है कि उहदा नाम नहीं जपदे, पर भिखारी बन के भी परमेश्वर के नाम तो बिना उन्हों का छुटकारा नहीं हुंदा। जे आपां ध्यान नाल वेखीए ना, जदों भिखारी पैसे मंगदा, जे सीधा किसी तो पैसे मंगे कोई उन्हें कोई दुखी नहीं दिंदा, भिखारी जदों मंगदा रब के नाम का आसरा लैंदा, जाने वाले परमेश्वर के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, राम के वास्ते, गुरु नानक के वास्ते दो पैसे दे जा, उन्हों फिर रब के नाम का आसरा लेना ही पैंदा है, क्योंकि रब के नाम तो बिना छुटकारा है नहीं। एको सिमरो नानका जो जल तल रहा समाए, दूजा काए सिमरिए जो जमै तै मर जाए। आख्या बादशाह गुलाम कादर, रब आ काम करदा है। कहिंदे ने बादशाह गुलाम कादर बाबे नानक दे चरणा ते ढह पिया, आख्या जी सचमुच अज पता लग गया कि परमेश्वर नां दी चीज दुनिया दे विच है, रब भी है, परमेश्वर भी है, अज मैं मनदा परमेश्वर है। खैर ये सिर ते हथ रख के बाबे नानक ने इन सतनाम का उपदेश दिता। ये बेनती करन दे उत्ते 1 महीने के करीबन करीब समा सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जिहदे पास ठहरे, वह बादशाह गुलाम कादर जिहदे राज दे विच नाम जपन वालिया नूं सजावां दित्तियां जांदियां, कैद खानियां विच पाया जांदा, उसे बादशाह गुलाम कादर ने कहिंदे ने धर्मशाला बनाउणियां शुरू कर दित्तियां, सतसंगत होनी शुरू हो गई, 8 पहर हरी जस हरी कीर्तन हुंदा, लंगर चलने शुरू हो गए। वह बादशाह गुलाम कादर जिन्हों बाबे नानक की एक बारी चरण छोह प्राप्त हुई, उसका जीवन पलट के रख दिता। एवें नहीं बाणी में दसना किया, जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल, इन्नी बाणी के नाम के शक्ति है। जिहड़े कहिंदे ने रब की नहीं वेख्या, परमेश्वर की नहीं वेख्या, खैर आओ इन्ने की शब्द प्रवान करो। तो संगत तो माफ़ी चाहते हैं कि महापुरशों की आप सारे इंतजार में बैठे से, किसी कारण करके नहीं पहुँच सके, रात भी तो दिल्ली भी सन भावें, पर दिल्लियों रातों रात पंजाब में चले गए, तो पंजाब के रुझेवें महापुरखों के हुए, कला कीर्तन का काम तो है ही नहीं, कितने लंगर चलते हैं, तो किधरे कोई उड़ीसा गुजरात वर्गे एक तो एक मसले महापुरखों ने सांभे हुए हैं। खैर कल महापुरख आप जी के दर्शन जरूर करे, तो सारे ने हुम हुमा के आना, होरना भी नाल लैके आना, यहोजा समा भागा ही मिलया करता, हुम हुमा के दर्शन देने ने। तो एक गल का ख्याल रखना, कई बार 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट महापुरश कि समा अगे पिछे हो जाए तो फील नहीं करना। तो कई बार ये भी होंगे जो 10-15 मिनट लेट हो जाना, कई बार सानू पहला भेज देंगे भी कीर्तन जाके शुरू कर लो, तो कल भी कि ना सोच के उठ के ना तुर जाओ भी कल वाले मुंडे जो फिर आ गए भी शायद अच्छ महापुरखों ने नहीं आना, भी पता नहीं इन्हों ने कीर्तन करना, यह नहीं गल है। महापुरख कल आप जी के दर्शन जरूर करे, सारे ने हुम हुम आ के पहुँचना, तो बोलद्या होया को बड़िया भुला हुई ने, साध संत बख्शन योग है, इन्हें एक शब्द प्रवान करो। हूँ अगला प्रोग्राम आप जी हूँ आनंद साहब का पाठ होएगा, उस तो बाद अरदास, अरदास तो बाद गुरु साहब जो हरिमंदरां नूं जाणगे, उस तो बाद सारिया ने जाण की खेचल करनी है, हुई भुलां की माफ़ी। राम कली महला तीजा, आनंद कुंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर का माया राग रतन परवार, परिया शब्द गावन आया, जब दूर संगावो
अरदास भी सारी संगत ने गज बज के अरदास शामिल होने की कृपालता करनी। आप जी सारयां दा तहे दिलों धन्यवाद जो आप जी ने गुरु घर अपना समा ला के गुरु घर आके अपने जीवन सफल किया। हुण अरदास होई कि तू ठाकुर तू कमाई का ध्यान तक खा
ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ Thank you.
शांत सहज रस मन बुझया सगले दुख पलायन उसे दोहराया जा रहा है। आप सारे ने सुखांसन के समय से
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ करो नाम मेरे।